एक बार पैडल शिफ्टर यूज करके बता देता हूँ डेकोर चीजें स्पोर्ट्स मोड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज मैं हूँ स्कोडा स्लाविया में। एक्सप्रेसवे पे लेके आया हूँ इस कार को और मेरे साथ में जो इंजन है वो है 1 लीटर TSI इंजन। आज 1 लीटर TSI इंजन को जो है चला के देखेंगे। इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर नहीं दी हुई है। कार जो है वो काफ़ी बढ़िया है और देखते हैं इसको चला के कि चलाने में ही कैसी फील होती है। अभी तक सुबह से जो है मैं कार को लगभग 110 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ एंड नो डाउट ये 1 लीटर का इंजन भी काफ़ी बढ़िया फील दे रहा है। कल मैंने 1.5 लीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करा था। अभी इसको फ़िलहाल चालू करते हैं तो कार जो है स्टार्ट हो गई है। अगेन ये इंजन भी जो है वो काफ़ी साइलेंट है। जो है वो दोनों चलानी बाकी है मुझे, लाइक ना मैंने इसको मैनुअल में चलाई ना 1.5 लीटर वाली को जो है मैनुअल में चलाई है। ओके सो अभी जो है मैंने सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटाया है और कार जो है क्रॉल करना स्टार्ट हुई है। अराउंड 8-9 KMPH की स्पीड पे जो है कार ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है और अब जो है एक्सेलरेट करते हैं। हियर वी गो। थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो भी इस इंजन के यहाँ पर टेस्ट हो जाएगी। एक्सप्रेस वे पे आए हैं अपन, दैट्स व्हाई मैं फिलहाल जो है इस कार को लेके मेरठ जा रहा हूँ। 39 किलोमीटर है मेरठ यहाँ से एंड देखते ही देखते 120 की स्पीड के आसपास अपन आ गए और 120 की स्पीड जो लिमिट है वो इंडिया में रेगुलेशंस हैं तो मैं उसको क्रॉस नहीं करने वाला। ये इंजन 120 तक तो बहुत फास्ट आ सकता है। नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 180-200 KMPH के आसपास हो सकती है। अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए कि इसकी विजिबिलिटी वगैरह कैसी है तो उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते हुए चलता हूँ। फ्रंट व्यू जो है वो काफ़ी बढ़िया है। सिटी में भी मैंने इसको चलाई है। मे बी पॉसिबल अभी मेरठ पहुँचने के बाद में इस वीडियो के एंडिंग में आपको थोड़ा सा सिटी वाला पोर्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा एंड व्यूइंग एंगल से रिलेटेड कहीं कोई परेशानी जो है वो मुझे नहीं हुई है। ए पिलर जो है वो थोड़ा सा ठीक लगा है। ये 1.5 लीटर वाली में भी जो है बात में बोलना भूल गया था बिकॉज वो मैंने थोड़ा सा जल्दी में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। ORVM काफ़ी बढ़िया है। सुबह से 1-2 घंटे जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली पूरी कार को एडजस्ट करा हुआ है। IRVM में अगेन बात जो मैंने आपको कल बताया था आज फिर बता रहा हूँ कि जो पीछे रूफ है वो लाइक ऐसे नीचे होती है सेडान में और वहाँ पर आपको क्या होता है कि कुछ ना कुछ मतलब लाइक ऑब्स्ट्रक्ट होता ही है। जैसे अभी पिलोज पड़े हुए हैं या इसके जो हेडरेस्ट हैं वो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो इतना बढ़िया व्यू नहीं मिलता है। बट एक अंदाज़ा जो है वो आपको चलाते चलाते कार को हो जाता है कि कहाँ से आपको किस हिसाब से जो है वो निकलना है और पीछे कौन आ रहा है, किसको आपको साइड देनी है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई व्यूइंग एंगल से रिलेटेड बात। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि जो ड्राइवर पोजीशन पे अगर आप होते हैं लाइक जहाँ मैं अभी बैठा हूँ वहाँ से कार कितनी कंफर्टेबल फील होती है और कितनी कमांडिंग पोजीशन पे आप रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन है, हाइट एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है और सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाती है। अर्गोनॉमिक वाइज कार काफ़ी बढ़िया है, सभी चीज़ें रीच में होती है। 5.10 है मेरी हाइट, नॉर्मल बिल्ट अप पर्सन हूँ मैं तो यहाँ पर हाथ वगैरह जो है आराम से पहुँच जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, यहाँ पर गियर शिफ्ट करने की कोई परेशानी नहीं होती। इवन दो अगर आप चाहें तो मैं मैनुअल में भी इसको चला के जो है आप लोगों को बता दूंगा। हैंड ब्रेक जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर लाइक मैनुअली दिया हुआ है। तो ये एक थोड़ी सी बात है कि जहाँ पर 1.5 लीटर है वहाँ पर भी आपको जो है इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है और ये चीज़ 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ में जो है वो दी जा सकती थी DSG गियरबॉक्स के साथ में। अभी फिलहाल अगर AC की कूलिंग की बात करें बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और AC जो है वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, मुझे AC से रिलेटेड परेशानी नहीं आ रही। मैंने सिर्फ 2-3 नंबर पे इसका AC को जो है वो पुट ऑन किया हुआ है। 20 का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री वो सेट किया हुआ है और स्टार्टिंग में मैंने इसको जो है पूरा लो कर दिया था तो मुझे थोड़ी ठंड लगने लग गई थी 3-4 मिनट में ही एंड अब जो है वो क्लाइमेट एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऑटोमेटिक पे डाल देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चिल करने लग जाता है ये, तो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हो और ये खुद से नोट भी करता रहता है। यहाँ पर सेंसर जो है वो भी दिया हुआ है तो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अंदर का टेम्परेचर जो है वो होता रहता है। दूसरा इसके अंदर फिल्टर है तो क्लीन भी जो है वो एयर यहाँ पर होती रहती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें सभी चीज़ें रीड करने में काफ़ी आसानी है। 100 की स्पीड कर दी गई है अब यहाँ पर तो मैं 100 के नीचे आ जाता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पढ़ने में काफ़ी आसान है, यहीं से आप सारे फीचर जो है वो टॉगल कर लेते हैं। फ्यूल इकोनॉमी वगैरह क्या आ रही है वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। हैज़ ऑफ नाउ मुझे जब मैंने लाइक इसको रिफ्यूल करवाया, मैं ड्राइविंग डाटा देखता हूँ तो मैंने रिफ्यूलिंग करवाने के बाद में इसको चलाया 36 किलोमीटर
49 मिनट्स के अंदर, एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर, और फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिल रही 13.9 kmpl की। तो मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इस इंजन के साथ में निकाली जा सकती है। जिन लोगों को फ्यूल इकोनॉमी चाहिए उन लोगों के लिए ये इंजन बेस्ट है 1.5 लीटर के कंपेयर में। नो डाउट वो भी एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और उसमें भी फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्लोजर जो है वो निकल जाती है। इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं आता है उसकी और इसकी फ्यूल इकोनॉमी में। तो यहाँ पर आपका काम जो है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड माइलेज आप लोगों को रफली सिटी में जो है वो 12 के आसपास, 10 से 12 के बीच में रहेगा, और हाईवे पे अगर आप चलाते हो बहुत ही अच्छे से तो 14 टू 16 kmpl जो है वो आप इससे इजीली ऑन द गो जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर आपने बहुत ही अच्छे से चलाई सिंगल डिजिट में 80-85 की स्पीड पे चलाई तो मे बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से ये इंजन रिएक्ट कर रहा है या जो इसकी रिफाइनमेंट वगैरह है या जो चलाने की स्मूथनेस वगैरह है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 से 20 के आसपास का माइलेज जो है वो भी इससे निकाला जा सकता है। बट उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की कि स्टेयरिंग जो है उसका फीडबैक कैसा है, उसके बाद में परफॉर्मेंस वगैरह सभी चीज़ों पे जाते हैं। तो स्टेयरिंग अभी मैं ट्रिपल डिजिट पे चल रहा हूँ तो ठीक ठाक सा वेट है, बट बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है उसको वेट के मामले में किया जा सकता था। इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है अभी, ऑलमोस्ट मैं क्लोज टू द ट्रिपल डिजिट जो है वो कर रहा हूँ, तो वो एक बात है। और इधर या उधर करने में कार को कोई परेशानी नहीं है, और एकदम फीडबैक जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल रहा है। रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। एक्सेलरेट करना है तो डेफिनेटली एक जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी सपोज थोड़ी सी स्पीड अपन स्लो करते हैं, ओके, तो मैं आपको टैप करता हूँ, 1 2 3 टैप कर दिया पूरा, तो 1 या 1.5 सेकेंड के बाद में जो है वो रिस्पॉन्स आता है। मे बी पॉसिबल इसको इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि जो क्लच प्लेट है वो एकदम से बर्न ना हो और वो सभी चीज़ें हैं, गेयरबॉक्स जो है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप ना हो, तो बिकॉज इनके अंदर लॉन्च कंट्रोल नहीं है। अगर जैसे कोडियाक वगैरह की बात करते हैं, ट्यूगॉन वगैरह की बात करते हैं, जो गाड़ियाँ इनके ऊपर मम्मी पापा हैं इनकी वहाँ पर, या यंगर ब्रदर वगैरह बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं, वहाँ पर लॉन्च कंट्रोल आता है तो उसमें वो जो लैग है ये फील नहीं होता। ये 1.5 लीटर के अंदर भी फील होता है और यहाँ पर भी आपको फील होता है, तो ये सभी चीज़ें हैं। बट नो डाउट जो रिस्पॉन्स है वो आपको पता रहेगा कि आपको कैसे लेके आना है कार के अंदर। और जैसे सपोज़ अगर मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा नहीं है पूरा, अभी तो मैंने छोड़ दिया था, अगर छोड़ता नहीं हो थोड़ा सा रेस पे टैप किया हुआ होता है तो गेयरबॉक्स और क्लच वगैरह जो है वो एंगेज होते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक्सेलरेट करके बताता हूँ, इवन दो 112 कर रहा हूँ मैं अभी, 1 2 3, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लेती है, बट ओके 120 की स्पीड लिमिट क्रॉस हो गई, आई एम सॉरी, करके बता रहा आपको प्रैक्टिकल, दैट्स वाई। तो अगेन वापस से स्पीड स्लो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हल्का सा 1 या 1.5 सेकेंड आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मोमेंटम है गेन होने में लगता है, बाकी उसके बाद में तो रॉकेट शिफ्टिंग जो है वो होती है और कार जो है एकदम पॉइंट करती है जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये सभी चीज़ें हैं, और स्टेयरिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सभी चीज़ें मुझे ठीक ठाक से लगी। सिटी में मोस्टली अगर इसको आपको मेनली चलानी है तो ये कार आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, कहीं पावर की कमी महसूस नहीं होती, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि 1.5 लीटर इंजन के साथ में जाना चाहिए, इससे भी आपका काम अच्छी तरीके से जो है वो बन जाएगा। और दूसरा अगर बात की जाए, ये देखो बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर लेते हैं। केबिन की NVH की बात करते हैं कि NVH वगैरह जो है वो कार में कैसा होता है, तो अगेन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ कि कंप्लेन करने वाली बात नहीं है, बिकॉज टायर नॉइज़ थोड़ी सी आती है, वो डेफिनेटली फील भी होती है। वहीं अगर आपको चाहिए कि यार आपको बिल्कुल साइलेंट NVH चाहिए कि यार आपको पता ही नहीं चले, तो ऐसा नहीं है, इंजन नॉइज़ नहीं आती है। अगर जैसे सपोज मैं 100-115 भी चल रहा हूँ तो उसके हिसाब से ठीक है NVH, टायर नॉइज़ तो आएगी, कितनी भी बढ़िया डैम्पिंग कर लो। होंडा सिटी से कंपेयर करो, वरना से कंपेयर करो, सियाज से कंपेयर करो, उन सभी से तो डिसेंट जो है, डिसेंट NVH जो है मुझे इसका फील हो रहा है। नॉइज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, हार्शनेस इस इंजन के साथ में है ही नहीं बिल्कुल। वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशंस कहाँ है ये फील नहीं होता, इवन तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो या इंजन आप ऑफ करते हो कहीं पर भी आपको वाइब्रेशंस जो है वो फील नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ब्रेक करके तो आपको नहीं बता सकता हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सिटी में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है, हाईवे पे एक काम करते हैं, चलो ठीक है बनाते हैं सिचुएशन। ओके सो मैं पूरी कंप्लीट नहीं रखूँगा, मैं अभी चल रहा हूँ 101 पे, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग बाइट्स आपको हल्की सी फील हुई होगी,
मतलब कार जो है आगे से नीचे से ही हो जाती है, इतनी शार्प बाइट जो है वो आ जाती है अगर आप बहुत ही फास्ट अगर इसके अंदर लाइक बहुत ही ज़्यादा हार्ड टैप अगर कर देते हैं तो। स्मूथली अगर आपको जेंटली रोकना है तो आप हल्का सा टैप करो और कार के जो स्पीड के नंबर्स हैं वो लाइक 5x के साथ में जो है वो ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट होते हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी आपको फील करवाती है कॉन्फिडेंस की, अगर आप सपोज ट्रिपल डिजिट भी कर रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कार रोकनी पड़ जाए आप टैप करेंगे और कार जो है वो रुक जाएगी। बट अगेन 100 की स्पीड इस कार के लिए ऐसी है जहाँ पर आप मोस्टली 100-105 की स्पीड पे क्रूज करना पसंद करेंगे, वहाँ पे आपको माइलेज भी काफ़ी बढ़िया मिल सकता है बिकॉज अभी चलाते चलाते 14.2 kmpl तक माइलेज चले गया है जबकि अपन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको ये रहेगा कॉन्फिडेंस कि आपकी कार आप कंट्रोल कर लेंगे। स्टेयरिंग से जो फीडबैक आ रहा है वो आपको अच्छा लगेगा, लाइक अगर आपको लेन चेंज करनी है, सपोज फास्ट लेन चेंज करनी है, पीछे कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करना। मिस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन बनती है आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, कार कैपेबल है, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, तो आप इजीली जो है कर पाएंगे। ब्रेक्स वगैरह की सभी की बात कर ली है, लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन मीडियम सेट है, 1.5 लीटर में मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था कि थोड़े से स्टीफर साइड होने चाहिए थे, बट अगेन अगर स्टीफर साइड अगर कंपनी सस्पेंशन को ट्यून अप करती तो आपको थोड़ा सा लगता कि कार से जो कंफर्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। सेडान इज नोन फॉर देयर कंफर्ट, आप नीचे इसलिए बैठते हो आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, आपको थकान थोड़ी कम हो, दैट्स वाई आप ग्राउंड से लाइक टच होकर बैठना पसंद करते हैं। बट इसमें 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूँ सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सियाज वरना होंडा सिटी ये सब 165-170 के आसपास रह जाती है, बट यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर इशू पता है मेरे साथ में क्या होता है, अब लाइक ये कार तो 120 से ऊपर जाने के लिए रेडी रहती है बट यहाँ पर स्पीड लिमिट है नहीं और कई बार ओवरटेक करने के लिए 120 से क्रॉस जो है वो आपको करना पड़ जाता है, तो ये एक चीज़ है। तो सस्पेंशन जो है वो बढ़िया है बट बॉडी रोल शो होता है कार के अंदर, अभी लाइक ये स्लाइटली टर्न है, लाइक इतना बड़ा टर्न है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्व वगैरह है, बट यहाँ पर भी मेरे को 3-4 degree का बॉडी रोल जो है वो शो हो रहा है, तो ये एक चीज़ है। उसको शायद और ज़्यादा बेटर जो है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो किए जा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी कि सस्पेंशन से रिलेटेड कोई परेशानी आए, ये देखो अगेन बात करते करते पता नहीं चलता इस कार के अंदर की स्पीड लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, अगेन सॉरी। तो ये सभी चीज़ें हैं। म्यूज़िक सिस्टम स्कोडा का साउंड सिस्टम बेस्ट है, कोई परेशानी नहीं आएगी, जिसको बेस पसंद है, मिड टोन्स वगैरह पसंद है, आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक पसंद है तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा बेस पसंद है लाइक एक्स्ट्रा अगर आपको बेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यार बेस तो भर भर के आना चाहिए, चाहे कुछ भी ट्यून बज रही हो बट उसमें बेस फील होना चाहिए, तो वहाँ पर ये जो म्यूज़िक सिस्टम है थोड़ा सा पीछे रह जाता है बिकॉज मैं इतने टाइम से इसके अंदर सॉन्ग सुनते हुए आ रहा था। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सीमलेसली वर्क कर जाता है, परेशानी नहीं आती है, बट USB चार्जिंग नहीं है यहाँ पर, टाइप सी ही है लाइक चार्जिंग पोर्ट, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार और ज़्यादा बेटर जो है वो दी जा सकती थी। तो ये सभी चीज़ें हैं, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बात कर ली है। वेंटिलेटेड सीट जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो वेंटिलेटेड सीट से जो है कूलिंग वगैरह जो होती है वो डिसेंट हो जाती है, आपका काम जो है वो बन जाता है, और गर्मियों में ये फीचर जो है वन ऑफ द बेस्ट फीचर होने वाला है मेरे लिए। और मैं लाइक सारी कंपनियों से जो कोई भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ वेंटिलेटेड सीट जो है वो सभी गाड़ियों के अंदर देना स्टार्ट कर दो, ये इंडियन एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है मेरे हिसाब से, बिकॉज आप पूरे टाइम स्वेटी रहते हो, यहाँ पर इतना पॉल्यूशन होता है दिल्ली NCR रीजन में, AC इतने ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करना बंद कर देते हैं जब आप 45-50 degree पे पहुँच जाते हो, टेम्परेचर फील होता है 55-60 degree के आसपास बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, एंड वहाँ पर ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करती है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो आपको फील करवाती है, ये चीज़ें हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक बार पैडल शिफ्टर यूज़ करके बता देता हूँ, आई नो वीडियो लंबी हो रही है बट एक एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ रहे हो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। पैडल शिफ्टर यूज़ करने के लिए थोड़ा सा स्लो करते हैं, फर्स्ट पे है, ठीक है, ये अभी को, बट अब ये खुद से शिफ्ट कर रही है यार, लाइक मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, देखो ये अब शिफ्ट में कर ही नहीं रहा, अब शिफ्ट ये खुद से कर रही है, एंड थर्ड गियर 120 क्रॉस, तो थर्ड गियर में 120 क्रॉस कर देती है बट अब शिफ्ट खुद से करती है, तो ये चीज़ मुझे तो है थोड़ी सी कम पसंद आती है, अब शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैनुअल शिफ्टिंग भी है उसके अंदर डाल के देखते हैं कि मैनुअल शिफ्टिंग जो है वो कैसी होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से हो पाती है नहीं हो पाती है, अभी सेकेंड में यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर भी अप शिफ्टिंग खुद से कर ली, तो लाइक ये फिर मैनुअल गियरबॉक्स होने का काम ही क्या है, मतलब सेंस ही नहीं बना था ना। यहाँ पर भी थर्ड गियर के अंदर जो है 120 की स्पीड ये क्रॉस कर लेती है, तो वही चीज़ है। इस कार को आप ना पेडल शिफ्टर से चलाने में फील ज़्यादा ले पाओगे, ना आपको मैनुअल चलाने में मज़ा आएगा, आपको ये जो गियरबॉक्स है इसी के ऊपर ड्राइव मोड पर आप रखो और काफ़ी ईजिली जो है आप क्रूज़ कर पाओगे। एक और चीज़ है स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ मैं आपको और फिर बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में जो है वो कैसे सी फील जो है वो आपको देती है। थोड़ी सी स्पीड अगेन थोड़ी कम करते हैं, देन टेस्ट करते हैं। आपसे बात करते करते मैंने मेरे को याद आ गया मैंने ये ऑन कर लिया, मेरे को अच्छा लग रहा है वो। ठीक है टैप करते हैं। S5 से S3 डाउन शिफ्ट करा अच्छी तरीके से, बट अगेन थर्ड गियर में ये 120 क्रॉस करेगा, देखना ये क्रॉस। तो सेम चीज़ें लाइक आप पेडल शिफ्टर से यूज़ करो, इससे यूज़ करो, लाइक स्पोर्ट्स मोड में यूज़ करो, तो ये सभी चीज़ें स्पोर्ट्स मोड में लाइक अपना कितने टाइम में ये चेंज कर रहा है RPM वो एक बार देखते हैं। रेड लाइन जो है आपको करके एक बार बताता हूँ। यहाँ पर लोग रुक के स्मोकिंग करते हैं यार, गजब। हम थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, चलो जैसा भी ऐसा ही है, सबका अपना अपना है। तो रेड लाइन जो है वो ये इंजन कर नहीं पा रहा था, वही एक चीज़ है। और स्पोर्ट्स मोड में भी डाल के एक बार मैं आपको दिखाने वाला था ना, तो वो दिखा देता हूँ। ठीक है स्पोर्ट्स मोड, ऑलमोस्ट क्लोज टू द 5800 RPM के आसपास में जो है ये जाता है और उसके बाद में से अपशिफ्ट कर देता है। बाकी आपको पता ही है कि अपशिफ्टिंग जो है वो खुद से हो रही है, चाहे पेडल शिफ्टर से करो, मैनुअल गियरबॉक्स में करो, या स्पोर्ट्स मोड में करो, या ड्राइव में करो, वहाँ पर आपके पास में कंट्रोल नहीं है कि आप कंटिन्यूसली जो है वो रेड लाइन कर पाओ। तो ये सभी चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई है, अच्छी लगी है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को और देखने हैं, पर्टिकुलर सिर्फ ड्राइव, क्योंकि फीचर्स वगैरह मैं ऑलमोस्ट आपको लॉन्च के पहले या लॉन्च के टाइम पे जो है वो बता देता हूँ, बट ये सारी चीज़ें अगर लाइक आपको इस टाइप से एक्सपीरियंस करनी है कार की ड्राइव और आपको भी मज़ा आता है मेरे साथ इस फॉर्मेट में लाइक एक्सपीरियंस करने में, तो डेफिनेटली आप जो है वो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट कार आपको कौन सी ऐसे दिखनी है, चाहे स्कोडा की हो या कोई और हो। एंड वन मोर थिंग, अभी ये जो कार है मुझे ब्राइट स्कोडा ने लैंड करी है, जो कि एक्सपीरियंस सेंटर है, इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है नोएडा में उन्होंने, और कल जो 1.5 लीटर थी वो भी कार मुझे वहीं से मिली थी ताकि मैं अच्छी तरीके से ऐसे खुले रोड्स पर एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो उनका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप लोगों को भी इतना बढ़िया सपोर्ट चाहिए, टेस्ट राइड वगैरह करनी है, बढ़िया सी मस्त एक्सपीरियंस करनी है सारी कारें, हर एक वेरिएंट, हर एक कलर, तो एक्सपीरियंस सेंटर में जाओ, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ़।